एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, अगर आपका फोर व्हीलर होगा तो आप लोग यूजुअली लोग क्या करते हैं कि फोर व्हीलर में अपना चाबी लेते हैं, चाबी में उसको की होल में घुमाते हैं और फिर गाड़ी जो है वो मतलब स्टार्ट कर लेते हैं और चलने लगते हैं। कभी कभी कोई कोई लोग तो सीट बेल्ट भी नहीं लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि गाड़ी ऐसे क्यों चलती है? ऐसा इग्निशन जो की होता है उसमें अगर आप चाबी लगा के उसको टर्न करती हो तो ऐसा क्या होता है जिसके वजह से गाड़ी आपका एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस मूव करने लगता है? इंटरनल पार्ट्स में ऐसा क्या चेंजेस हो जाता है अचानक से कि आपकी गाड़ी जो है उसकी मूवमेंट हो पा रही है? दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि आज हम लोग बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कौन कौन सा कंपोनेंट्स है जो कि रोल प्ले करता है आपकी गाड़ी को स्टार्ट करने में, वो आज हम लोग दोस्तों डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बैटरी है, ये बैटरी चार्ज होता है डायनामो से, और फिर उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ना वो ग्राउंडेड रहता है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आगे जाके कनेक्ट होता है टू द इग्निशन कॉइल। ओके, लेकिन इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रिक बैलस्ट या फिर इसको बोला जाता है रजिस्टर। ओके, ये एक रजिस्टर लगाया रहता है। ऐसा रजिस्टर दोस्तों क्यों लगाया जाता है? प्रिवेंट ओवरहीटिंग, क्योंकि यहाँ अगर डायरेक्टली करंट जाता गया इग्निशन कॉइल में तो इग्निशन कॉइल क्या होगा, ओवरहीट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक बैलस्ट क्या करता है या फिर रेजिस्टर क्या करता है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जब टेम्परेचर बहुत जोर से इंक्रीज करेगा। ओके, तो करंट बढ़ता है, एट ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जब करंट बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ओके, तो इसके वजह से वो इग्निशन कॉइल को प्रिवेंट कर सकता है ओवरहीटिंग के थ्रू। ओके, ताकि इग्निशन कॉइल जो है वो ओवरहीट ना हो, उसके वजह से ये इलेक्ट्रिक बैलस्ट या फिर रजिस्टर लगा दिया जाता है। दोस्तों, अभी ये जो इग्निशन कॉइल है ना, ये इग्निशन कॉइल में दोस्तों एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है। आप ये येलो कलर का देख रहे हो, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, उसमें क्या लगा रहता है, सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है और प्राइमरी वाइंडिंग रहता है। ओके, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग में दोस्तों क्या डिफरेंसेस है कि आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये वाला जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो उसका ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहता है। ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स मतलब 2100 या फिर 2200 ऐसे टर्न्स मिलेगा, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग्स में आपको 200-300 तक टर्न्स देखने को मिलता है दोस्तों। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेगा, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉफ्ट आयरन कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेनरेट होना लगेगा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होगा, राइट, ये सॉफ्ट आयरन कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेनरेट होगा, और आगे जाके ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या करेगा कि इस करंट को पास करेगा टू द कॉन्टैक्ट ब्रेकर। ओके, ये क्या है दोस्तों, ये है कॉन्टैक्ट ब्रेकर। तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर के बारे में दोस्तों मैं आपको साथ थोड़ा डिस्कशन करती हूँ एलैबोरेटली। आप देखिए, कॉन्टैक्ट ब्रेकर में एक होता है, ये मेटल पॉइंट है, ये दूसरा मेटल पॉइंट विथ पाइवोटेड आर्म, स्प्रिंग पाइवोटेड आर्म है। ओके, ये दोनों जब कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ये दोनों जब कॉन्टैक्ट में रहता है तो क्या होता है, यहाँ से करंट फ्लो करता है और ये जो सर्किट आप देख रहे हो ये सर्किट चलता है। ओके, लेकिन जब ये ओपन रहते हैं, अभी ये क्लोज रह रहे, मतलब ये जो आर्म है ना ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। ओके, आप देख सकते हो ये ऊपर नीचे हो रहा है। जब क्लोज रहता है मतलब पूरा कॉन्टैक्ट में रहता है मेटल पॉइंट के साथ, तो फिर क्या होता है, करंट जो है फ्लो करके ये सर्किट के थ्रू जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है सर्किट। लेकिन जब ओपन रहता है, ओके, इन दोनों में ओपन रहता है, तो करंट फ्लो यहाँ पर करना बंद हो जाता है, और करंट कहाँ फ्लो होता है, यहाँ पर करंट फ्लो करता है। ये क्या है दोस्तों, ये कंडेंसर है या फिर कैपेसिटर इसको बोल सकते हो आप, यहाँ पर करंट फ्लो करता है दोस्तों। ओके, यहाँ पर करंट फ्लो करता है। ओके, तो एक टाइम आता है दोस्तों, ओके, कि ये जो बीच में लगा रहता है दोस्तों, ये कैम है, ये रोटेटिंग कैम है। ओके, ये रोटेटिंग कैम है जिसको इंजन जब घूमता है
तो फिर इंजन का शाफ्ट जब रोटेट करता है तो ये कैम भी रोटेट करता है दोस्तों, राइट। तो क्या होता है दोस्तों कि अभी करंट गया यहां पर, अभी करंट जो प्राइमरी वाइंडिंग से जो भी करंट आ रहा है ये मेटल इलेक्ट्रोड तक गया, ये मेटल पॉइंट में गया, अगर क्लोज था तो सर्किट कंप्लीट हुआ, लेकिन अगर जब ओपन रहता है तो फिर ये क्या करता है कि कंडेंसर में फ्लो करता है। और एक टाइम आता है जब कंडेंसर, इस जो कंडेंसर है ना उसमें इतना वोल्टेज जनरेट होगा, वोल्टेज धीरे धीरे उसका बढ़ेगा, ओके, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा धीरे धीरे करके, इतना वोल्टेज हो जाएगा कि बैटरी वोल्टेज से भी यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा, ओके। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा था वो धीरे 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 करके कम होने लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है जो भी जनरेट हो रहा था यहाँ पर कम होने लगेंगे, बैटरी का जो बैटरी का वोल्टेज था उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर इस कैपेसिटर में वोल्टेज आ जाएगा, उसके वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो कम हो जाएंगे, बैटरी से करंट फ्लो करना ही बंद हो जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करना चालू हो जाएगा, यहाँ से इस कैपेसिटर से रिवर्स करंट फ्लो करना चालू हो जाएगा दोस्तों। रिवर्स करंट फ्लो करने से क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग था, ओके, इस देख रहे हो आप ये व्हाइट फिर रेड हो जा रहा है, ओके, ये है आपका, वो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा कि बहुत ही हायर वोल्टेज जनरेट होगा, बहुत ही हाई वोल्टेज जनरेट होगा, उसी हायर वोल्टेज को ये सेकेंडरी वाइंडिंग क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर में उसको भेजेगा, ओके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों है क्या, ये डिस्ट्रीब्यूटर में आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर एक रोटर है, ओके, ये रोटर घूमता रहता है। अब ये सब क्या है दोस्तों, ये मेटल इलेक्ट्रोड है, ओके, मेटल इलेक्ट्रोड है। सपोज मान के चलिए ये जो रोटर है इस पॉइंट पे आया, तो इन दोनों में क्या होता है, एयर गैप होने के कारण यहाँ पर जो भी वोल्टेज था, जो भी वोल्टेज था इसको दे देगा, इस मेटल इलेक्ट्रोड को दे देगा। अभी इस मेटल इलेक्ट्रोड में वोल्टेज आ गया बहुत ज़्यादा, फिर ये मेटल इलेक्ट्रोड आगे जाके स्पार्क प्लग को देता है, ओके। अभी स्पार्क प्लग में भी दो इलेक्ट्रोड है, ओके, एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड रहता है और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड रहता है, ओके। तो उन दोनों में डिस्टेंस यूजुअली 1 mm या 0.8 mm ऐसा रहता है, तो इन दोनों के डिस्टेंस में आयोनाइज होता है, ओके, जिसके वजह से क्या होता है कि स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस हो पाती है, ओके। आप देख सकते हो इस डायग्राम में, देखिए सेंटर इलेक्ट्रोड है और फिर आप देख सकते हो कि ये है आपका ग्राउंड इलेक्ट्रोड, सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड के बीच में आयोनाइज होता है, उसके वजह से क्या होता है कि स्पार्क जो है प्रोड्यूस होती है दोस्तों। और यही स्पार्क आपको ही अभी, यही जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है उसके वजह से पेट्रोल और एयर की मिक्सचर जो है वो बर्न होती है और हम और आपकी गाड़ी को जो है वो पावर मिलती है दोस्तों, ओके। आपको तो पता ही होगा, मैंने 4-स्ट्रोक इंजन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ सक्शन कॉम्प्रेशन पावर और एग्जॉस्ट। तो जो यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न होगी बाय द स्पार्क प्लग, ओके। वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बर्न कैसे होती है, स्पार्क प्लग के वजह से, स्पार्क प्लग उनको इग्नाइट करता है, ओके। तो इसके वजह से गाड़ी को पावर मिलती है और गाड़ी जो है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस दोस्तों जा पाती है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में बैटरी इग्निशन सिस्टम के बारे में समझ में आई होगी। कुछ डाउट्स हो दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।